हाय एवरीवन, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेकेट। सरकारी नौकरी के इस सेगमेंट में आज हम जिस भर्ती के बारे में बात करने वाले हैं उसके लिए 10वीं और 12वीं दोनों ही स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स या फिर दोनों ही स्टैंडर्ड के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसकी डिटेल्स क्या है, कहां पर भर्ती निकली है, कितने पदों को भरा जाएगा, आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, ये तमाम डिटेल्स आज हम इस वीडियो के जरिए जानेंगे। तो चलिए वन बाय वन सारी डिटेल्स को जान लेते हैं, लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि आखिर वैकेंसी निकली कहाँ पर है। तो भारतीय पशुपालन निगम लिमिटेड यानी कि BPNL ने सर्वे इंचार्ज और सर्वेयर पदों पर बंपर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के जरिए करीब 3,444 पदों को भरा जाएगा। बात अगर इन कुल पदों में सर्वे इंचार्ज और सर्वेयर की पदों की हो तो सर्वे इंचार्ज के 574 पदों को भरा जाएगा, वहीं सर्वेयर के 2,870 पदों को भरा जाएगा। अगर आप भी 10th या 12th पास हैं और आप BPNL से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि भारतीयपशुपालन.com पर विजिट करिए और वहां जाकर अपना एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप सिर्फ 5 जुलाई तक ही आवेदन कर पाएंगे, यानी कि 5 जुलाई के बाद आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो ये बात तो हुई जरूरी तारीखों के बारे में और टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में। अब जान लेते हैं कि अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो सर्वे इंचार्ज और सर्वेयर इन दोनों ही पदों पर कौन सी योग्यताओं का होना जरूरी है। सो अगर आप सर्वे इंचार्ज के पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से 12वीं पास का सर्टिफिकेट होना चाहिए, और अगर आप सर्वेयर पदों पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 10वीं पास का सर्टिफिकेट होना मस्ट है। ये बात हुई योग्यता की। अब जान लेते हैं कि आपकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि इस भर्ती के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल और अधिकतम उम्र सीमा 40 साल रखी गई है, यानी कि आप 18 साल से कम और 40 साल से ज़्यादा हैं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपकी एज इन दोनों ही यानी कि न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा के बीच होनी चाहिए। ये बात हुई उम्र सीमा की। अब ये जान लेते हैं कि आखिर आपका सिलेक्शन कैसे होगा, यानी कि आपको कौन कौन से चरणों से होकर गुजरना होगा। अगर आप सर्वे इंचार्ज और सर्वेयर दोनों ही पदों पर सेलेक्ट होना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ऑनलाइन एग्जाम देना होगा। एक बार जब आप ऑनलाइन एग्जाम में शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे, यानी कि आप उस एग्जाम को पास कर लेंगे, तब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, और जो भी उम्मीदवार इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे उनको फाइनल मेरिट लिस्ट में जगह दी जाएगी। ये बात हुई सिलेक्शन प्रोसेस की। अब जान लेते हैं कि जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। तो ध्यान रखिए, सर्वे इंचार्ज पदों पर सेलेक्ट होने पर आपको प्रतिमाह 24,000 रुपये दिए जाएंगे, वहीं सर्वेयर पदों पर सेलेक्ट होने पर आपको पर मंथ 20,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। ये बात हुई सैलरी की। अब जान लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बात, यानी कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, आपको कैसे अप्लाई करना है। आवेदन करने के लिए, जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि भारतीयपशुपालन.com पर जाना होगा। वहां जाकर होम पेज पर आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। होम पेज पर आपको अप्लाई ऑनलाइन का एक लिंक दिखाई देगा, उस लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। उसके बाद आपको वैकेंसी की डिटेल्स चेक करनी है और जो भी डिटेल उसमें मांगी गई है आपको अपलोड करना है। सही सही आपको अपनी डिटेल्स भरनी है और इन सारी चीज़ों को करने के बाद आपको उसे सबमिट कर देना है। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त इस बात का बेहद ख़ास ध्यान रखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं जिन्हें आप अपलोड करेंगे उसकी स्कैन की हुई कॉपी आपके पास होनी चाहिए, और साथ ही जो उनका साइज़ है वो तय नियमों के अनुसार ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत साइज़ वाली कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो वो अपलोड नहीं हो पाएगी। ये बात हुई डॉक्यूमेंट्स की। अब आपको ये भी बता देते हैं कि एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त आपको एप्लीकेशन फ़ीस भी देनी होगी, लेकिन कौन कौन सी कैटेगरी को कितनी फ़ीस देनी होगी, चलिए इस बारे में जान लेते हैं। सो अगर आप सर्वे इंचार्ज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो याद रखिए, एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको 944 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस देनी होगी, वहीं सर्वेयर पदों पर 826 रुपये एप्लीकेशन की फ़ीस तय की गई है। अगर आप इस भर्ती के बारे में और कोई डिटेल जानना चाहते हैं तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर पूरा भर्ती का नोटिफिकेशन चेक कर सकते हैं। आपकी सहूलियत के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दिया है, आपको वहां जाना है, एक क्लिक करना है और आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा।
तो भर्ती से पहले नोटिफिकेशन जरूर पढ़ लें। अगर आपका इसके रिगार्डिंग कोई सवाल है, कोई भी आपको शंका है या फिर आपको कुछ और पूछना है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए संपर्क कर सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हर सवाल का जवाब दे पाएं। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार अगले वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी एक नई सरकारी नौकरी की भर्ती एक नई नोटिफिकेशन के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।